खासकर हमने जितने भी फिलोसफीज डिस्कस की उसका कॉमन अगर आपको एक थीम निकालना होगा तो आपको लगेगा कि ये बंदा हमेशा बोल रहा है कुछ बड़ा करने के लिए। रफली आज का फिलोसफी आपको बड़ा करने के लिए नहीं बोलेगा, आज का फिलोसफी आपको बोलेगा कि अगर तुम बड़ा कर रहे हो तो ये वाला फिलोसफी तुमको वो करने में हेल्प करेगा। ये देखो यहां से स्टार्ट होता है फिलोसफी। आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑफ एन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके हिसाब से इंडिया में सबसे स्मार्टेस्ट टेलीकॉम प्रोवाइडर कौन है? आंसर मत करो, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन रिलायंस जियो, दूसरा ऑप्शन एयरटेल, कुछ इसी अराउंड में होगा। अगर मैं आपसे पूछता आपके हिसाब से सबसे स्मार्ट टेलीकॉम प्रोवाइडर कौन है, कितने लोग बोलते जियो, कितने लोग बोलते एयरटेल, कोई और कुछ और किसी का भी? व्हाट एवर आई टेल यू, मेरे हिसाब से इंडिया का सबसे स्मार्टेस्ट टेलीकॉम प्रोवाइडर इज दिस कंपनी। आप मानोगे? आई नो आपका रिएक्शन कैसा रहेगा। आइडिया, आइडिया वो कंपनी नहीं है जिसने वो स्टार्ट किया था 3-4 साल पहले, जिसकी बहुत बेइज्जती हुई थी मार्केट में। आइडिया ने एक सुपर कैंपेन स्टार्ट किया था जिसका लोगों ने बहुत बेइज्जती किया था। याद है कौन सा कैंपेन था? बहुत एड्स भी आते थे उसके। नाम बोलो ना उस चीज का। नहीं नहीं, वो तो उनका कॉमन थीम है, उन्होंने ये स्टार्ट किया। IIM याद है, 3-4 साल पहले एक एड आता था आई एम फ्रॉम IIM, और ये लोग क्या बोलते थे, ये लोग एक एड दिखाते थे कि तुम आइडिया के नेटवर्क पे वीडियोस देख देख करके अच्छा बन सकते हो। लोगों ने बोला भैया ये इंटरनेट है, उसको तुम IIM बना के क्यों बेच रहे हो? और बहुत बेचती, इतनी बेचती हुई कि भर के ट्रॉल्स आए। फिर और देखिए, ये तो सिर्फ 3-4 है और ये साफ सुथरे हैं। एक बार गूगल पे जाओगे ना, सिर्फ टाइप करोगे IIM ट्रॉल्स भर के, इतना बेइज्जती हुआ इस कंपनी का दैट उसके बाद एक नेगेटिव सेंटीमेंट फैल गया सिटीज में कि आइडिया यूज ही नहीं करना। कोई यहाँ पे आइडिया यूज करेगा? तुम्हारा टीशर्ट भी 2-3 लोग यूज कर रहे हैं, बट एक जनरल सेंटीमेंट क्या यूज हो गया, फैल गया, आइडिया यूज करो गांव वाले। बट स्टिल अगर आप मेरे से पूछोगे, आई विल स्टिल से ईस्ट और वेस्ट आइडिया इज द स्मार्टेस्ट। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक है और मैं बहुत दिनों साइड अप ऑब्जर्व कर रहा हूं। लॉजिक सुन, जब आइडिया मार्केट में उतरा, सिटीज में घुसने का ट्राई किया, उसने रियलाइज किया कि एयरटेल, वोडाफोन, BSNL, MTNL और बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट पकड़ चुके, ये लोग घुसने का ट्राई कर रहे हैं, लोग इनका सिम यूज ही नहीं कर रहे, कंपनी एकदम बंद होने के कागार पे, परेशान, क्या करना है क्या करना है, मीटिंग्स हो रही है। तब एक बंदे ने क्या बोला, शहर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो क्या हो, गांव चलते हैं। इंडिया का 71% पॉपुलेशन आज भी गांव में रहता है और हर आदमी को फोन तो चाहिए। अब आप बनकर एक बार इमेजिन करो, आइडिया के सारे एड्स आपको हमेशा गांव का बैकड्रॉप दिखाई देगा, उसमें कुछ गांव में चल रहा है, स्कूल, खेती, किसान, अभिषेक बच्चन पगड़ी पहन के देख रहे हो, सारे एड्स आइडिया के। और एक कॉमन थीम क्या है, गांव। अब एक बात बताओ, अगर आप एक विलेजर हो, आप एक गांव में रहते हो, आप टीवी देख रहे हो, आपको दो एड्स दिखाई दे रहे हैं, एक में अभिषेक बच्चन ऐसे पगड़ी पहन के आपके लैंग्वेज में आपकी बातें कर रहा है और दूसरे एड में एयरटेल वाली लड़की पता नहीं क्या बोल रही है, तो आप किससे रिलेट करोगे इससे? और अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि एयरटेल खरीदो या फिर आइडिया खरीदो, तो आप क्या खरीदोगे? आइडिया। और एक्चुअली सिनेरियो है, आप एक बार वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड गांव में जाओ, 10 में से 8 लोग क्या यूज करें, आइडिया, बिकॉज दे ट्रस्ट आइडिया, उनको लगता है कि ये हमारे जरूरत को समझने वाली कंपनी है, अनलाइक एयरटेल जहां पे शहरों वाली बात, वोडाफोन वो शहरी कुत्ता देता है, सुजू देखता है, हम रिलेट नहीं कर पाते, राइट? नाउ इसके बारे में बात करें, IIM के बारे में, जो लोगों के हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में वर्स्ट मार्केटिंग कैंपेन था, बट अगर तुम मेरे से पूछो इंडियन हिस्ट्री में दिस हैज टू बी द स्मार्टेस्ट मार्केटिंग कैंपेन। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, उसके लिए एक बार ये एड देखो, ये IIM का एड है, यूट्यूब से उठाया मैंने, सुनाई नहीं देगा, सबटाइटल देगा। हरियाणा में जाट है, और अगर आपने NH10 देखा होगा
तो आपको पता होगा चार्ट कैसे होते हैं, दे आर लाइक वेरी स्ट्रिक्ट। अपने घर की बंदियों को बाहर निकलने नहीं देना, पढ़ने देना ही नहीं। ये जो दिखा रहे बिल्कुल सही, इन लड़कियों को बाहर जाना अलाउड नहीं है पढ़ने के लिए। लेकिन ये गुड़गांव जाके जब देखते हैं ना हरियाणा वाले बंदे चार्ट, उनको दिखता है कि दूसरे सिटीज की लड़कियां आकर के वहां पे कमा रही हैं और उनके मर्दों से ज्यादा कमा रही हैं, तब उनको रिग्रेट होता है। या हम भी पढ़ा सकते अपनी बेटियों को, पर फिर भी नहीं पढ़ा पाते बिकॉज गांव का रिस्ट्रिक्शन है, सदियों से चला आ रहा है। सो दे आर लाइक इन अ डिलेमा, दे आर लाइक पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं, पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं, डिवाइड हो चुका है अंदर से। और इस पॉइंट तक गांव वाले इंटरनेट ज्यादा यूज नहीं करते बिकॉज उनके लिए इंटरनेट एक ऐसा चीज था जहां पे जाते ही पैसा कट जाता, एक ऐसा सेंटीमेंट था। दे डोंट अंडरस्टैंड इंटरनेट। आइडिया क्या बोला, इंटरनेट इनको समझाते नहीं, इनको एक कंप्लीटली नई चीज समझाते। क्या समझाएंगे हम, कि इंटरनेट एक ऐसी चीज है जिसको यूज करके तुम्हारी बेटियां घर बैठे पढ़ सकती। आइडिया ने क्या किया, आइडिया ने ये किया, आइडिया कन्वर्टेड अ डिलेमा इनटू अ मार्केट अपॉर्चुनिटी। उसने किसी के दुविधा को अपना मार्केट अपॉर्चुनिटी बना लिया। अब एक बात बताओ, वो बंदा जाकर के कौन सा सिम खरीदेगा, आइडिया, और आइडिया में भी इंटरनेट को एक्टिवेट करेगा। समझ लो ये कंपनी गांव में थी, गांव वाले सिर्फ फोन कॉलिंग के लिए यूज करते थे, इंटरनेट के लिए रिचार्ज नहीं करते थे। ये क्या बोल रहे हैं, एयरटेल से किस चीज में पिछड़ रहे हैं, शहर वाले इंटरनेट वाला रिचार्ज मारते हैं, हमारे कस्टमर नहीं मारते। कैसे कस्टमर रिचार्ज मरवाए, उनको समझाओ कि जरूरी है ये। एक और एड आपको बताता हूं जिसमें एक किसान का बच्चा खेत में बैठ करके आईएन से वीडियोस पढ़ रहा है। अब एक किसान का डिलेमा क्या है, अपने बच्चे को स्कूल लेके जाऊं या खेती करवाने लेके जाऊं। जब खेती कराने लेके जाता है तो बुरा फील करता है कि स्कूल जाना चाहिए था, और जब स्कूल भेजता है तो काम कम होता है। सोल्यूशन क्या निकाल दिया इन लोगों ने, अरे टेंशन क्या, आईएन है ना, थोड़ा काम करवाना, पेड़ के नीचे खाता टाइम पढ़ लेगा, किसका उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, उसने रिचार्ज कराया इंटरनेट वाला। सच स्मार्ट मूव। लोग लेकिन क्या कर रहे, गालियां दे रहे। अगर आप मेरी बात से कन्विंस नहीं हो तो लेट मी शो यू समथिंग। आज ही मैंने गूगल किया था, ऊपर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, बेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया, पहला आइकन देख रहे हो। फायदा एक और कंपनी थी एएसएल बोल रही हो, बंद हो गई, हेड ऑन टक्कर दे रही थी शहर में एयरटेल और जियो को, बंद। ये देखो मैंने एक और आर्टिकल निकाला, टॉप 10 टेलीकॉम कंपनीज इन इंडिया 2018 में, फर्स्ट पे, सेकेंड पे। इनफैक्ट कुछ दिन पहले न्यूज आई है कि वोडाफोन और आइडिया मर्ज कर रहे हैं और अभी इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम प्रोवाइडर बन जाएगा। सो अगर आप भी कन्विंस नहीं हो ना, अगला वाला स्लाइड आपको एकदम कन्विंस कर देगा। एकदम रेडी हो गए वाले स्लाइड के लिए, ये वो अपने हर एड में डालते, कोई लॉजिक नहीं रहता इसका, बट ये अपने हर एड में डालते बिकॉज वो खुद इस चीज पे बिलीव करते। जब वो डूब रहे थे ना तब एक आइडिया ने उनकी जान बचाई, वो आइडिया क्या था, गांव चलते, और वो उसको हर जगह चिपका रहे। बट मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आपको क्या फर्क पड़ रहा है, आपको मैं कुछ सिखाना चाहता हूं। आइडिया ने दो काम किए, पहला था आइडिया से स्मार्ट कंपनी बोलने में कोई शक नहीं, बट उससे भी इंपॉर्टेंट चीज आइडिया पता है क्या है, आइडिया इज स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब समझ रहे हो, हीट, दैट कंपनी इज हीट। सामने से तुम उसको गाली देते हो पता है क्या बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे आ रहे हैं, तुम बोलते रहो। उसने कभी टेंशन नहीं लिया कि शहर में लोगों का सेंटिमेंट कैसा आइडिया को लेकर, उनका कस्टमर कहां पे था, गांव में, एंड दे वर चिल अबाउट। उनका पूरा फोकस किस चीज पे है, गांव वालों से पैसे निकालने के लिए, शहर वाले कुछ भी बोले, कुछ भी सेंटिमेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्मार्टनेस आप गेन नहीं कर सकते, आएगा नहीं आएगा नहीं पता, बट वो चीज गेन कर सकते। आज तक मैंने आपको बोला बड़ा उखाड़ने के लिए, ट्रस्ट मी जब भी आप लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ने जाओगे आपके आसपास वाले लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे और आपको हमेशा ऐसा बिलीव करवाएंगे कि तुम गलत कर रहे हो। उस टाइम दो तरह के लोग होते हैं, पहला जिसको लगने लगता है शिट मैं सच में गलत कर रहा हूं यार, सभी लोग तो वैसे कर रहे हैं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, बोल के वो छोड़ देगा, क्विट कर देगा। और दूसरा बंदा कैसा होता है, आइडिया के जैसा, उसको लगता है मैं जो कर रहा हूं मैं प्लान करके कर रहा हूं, मैंने दिमाग लगा के किया मैं सही हूं और देखना रिजल्ट आएगा।